रणबीर कपूर की एक्स और रणवीर सिंह की करंट वाइफ दीपिका पादुकोण को तो सब जानते हैं। उनकी डिंपल वाली स्माइल का हर कोई दीवाना है। दीपिका जितनी सुंदर हैं उतनी ही टैलेंटेड भी। अपनी एक्टिंग से दीपिका ने हर किसी के दिल पे राज किया है। पर जितनी फेमस वो होती गई उतना ही कॉन्ट्रोवर्सीज उन्होंने बना लिया, चाहे उनके बॉयफ्रेंड के लिस्ट की बात हो या उनके मूवीज की। बाजीराव की मस्तानी हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी रहती हैं। तो आइए हम भी देखते हैं उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज की लिस्ट। अगर बात करें उनके लव अफेयर्स कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, तो एक मैच के दौरान स्टेडियम में दीपिका और सिद्धार्थ माल्या को सबके सामने लिपकिस करते हुए स्पॉट किया गया था और ये बन गई थी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। वहीं रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद यह खुद में ही बन गई थी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। और जब रणबीर कपूर ने चीट किया तब दीपिका का कहना था, द फर्स्ट टाइम ही चीटेड ऑन मी आई थॉट देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ मी और द रिलेशनशिप, बट व्हेन समवन मेक्स अ हैबिट ऑफ इट यू नो द प्रॉब्लम लाइज विथ हिम। येट आई वॉज फुलिस इनफ टू गिव हिम अ सेकेंड चांस बिकॉज ही बेग्ड एंड प्लीडेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरीवन अराउंड मी सेड ही वॉज स्टिल स्टेइंग। वहीं क्रिकेट की दुनिया के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से भी उनके अफेयर्स के किस्से बहुत वायरल हुए थे। ऐसा माना जाता है कि माही ने दीपिका के कहने पर ही अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। वहीं दीपिका का फर्स्ट बॉयफ्रेंड है निहार पांड्या, जिसने कहा था कि लोग उन्हें दीपिका के बॉयफ्रेंड के नाम से पुकारना बंद कर दें। वहीं दीपिका और कैटरीना की कैट फाइट बनी रहती है हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल। सुर्खियों की माने तो दीपिका ने यह तक कह दिया कि उनकी ब्रेकअप की वजह थी कैटरीना। जी हाँ, दीपिका ने कहा था कि उनकी रणबीर कपूर से ब्रेकअप की वजह कैटरीना भी है। वहीं अगर हम बात करें दीपिका के करियर कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, तो फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाद काफ़ी टाइम तक इस फिल्म को लेकर हुई थी कॉन्ट्रोवर्सीज। मेकर्स को और खुद दीपिका को उठाना पड़ा था काफ़ी दिक्कत। वहीं फिल्म पद्मावत में काम करने की वजह से भी दीपिका को करणी सेना से आ रहे थे डेथ थ्रेट्स। वहीं मस्तानी की चलती रहती है कंगना रनावत से हर समय एक कैट फाइट। इन दोनों के बीच इतनी कैट फाइट होती है कि ये बनी रहती है कॉन्ट्रोवर्सी। वहीं गोलियों की रासलीला रामलीला के टाइटल और कंटेंट की वजह से भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही दीपिका। इस फिल्म में दिखाए गए कंटेंट को लोग बता रहे हैं अश्लील। तो ये थी मस्तानी के लव लाइफ और करियर से जुड़ी हुई कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही बॉलीवुड की तरक्ती भरकती कॉन्ट्रोवर्शियल के लिए बने रहें एग्निटो लाइफस्टाइल के साथ। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको ऐसी ही गपशप हमेशा मिलती रहे सबसे पहले।